फ्रेंड्स, यूबीपी स्मार्ट गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कोई बिजनेसमैन है, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, जिसके वजह से उनका बिजी शेड्यूल होता है और इंट्राडे में ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं। और स्टॉक मार्केट से चाहते हैं कि वो अर्निंग करें लेकिन बिजी शेड्यूल होने की वजह से वो इंट्राडे में ट्रेडिंग नहीं कर पाते और स्टॉक मार्केट से अर्निंग नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो स्टॉक मार्केट में बिजी शेड्यूल होने की वजह से ट्रेड नहीं कर पाते हैं और ट्रेड करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 बेहतरीन कमाई देने वाले स्टॉक्स जिसमें आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करके जबरदस्त अर्निंग कर सकते हैं। या फ्रेंड्स, आपको 5 स्टॉक्स बताने जा रहे हैं इस वीडियो में जिसमें आप बाय करके चलेंगे। जिस स्टॉक को बाय करके आप चलते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में यानी कि 3 दिन से लेकर के 20 दिन के बीच जो भी हम टारगेट देंगे वो अचीव करेगा ही। और इसमें सबसे खास बात है, जो स्टॉक हम बताने जा रहे हैं आपको, इस स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि जो हम टारगेट देंगे वो टारगेट आपका 3 दिन से 20 दिन के बीच अचीव करेगा ही स्टॉक। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं वो कौन कौन सा स्टॉक है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए चलते हैं जेरोधा को, लॉगिन करते हैं, उसमें हमारा स्टॉक सेलेक्ट किया हुआ है, देख लेते हैं वो कौन कौन सा स्टॉक है। तो फ्रेंड्स, आज का पहला स्टॉक है 5 स्टॉक्स में, आज का पहला स्टॉक है हमारा TCS। इस वीडियो का पहला स्टॉक है TCS। TCS को आपको शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है। देखिए, इसके चार्ट को हम देख लेते हैं। पहले चार्ट पे हमने क्लिक किया तो दिखा भी दे रहे हैं, टारगेट भी हम बताएंगे इसका क्या होना चाहिए। तो देखिए, चार्ट हमारा खुल गया। ये मंथली चार्ट है फ्रेंड्स, देखिए मंथली अप ट्रेंड में दिख रहा है, ये स्टॉक रेगुलर अप ट्रेंड ही बनाए हुए हैं। इसको आपको फ्रेंड्स जो है ना बाय करके चलना है और टारगेट रखना है इसमें 2170 का, 2170 का टारगेट फ्रेंड्स। और आप अपने हिसाब से बाय कर लेंगे, कितना पे बाय करना चाह रहे हैं 2170, लेकिन ये टारगेट रखना है 3 दिन से लेकर के 20 दिन तक में कभी भी आपका ये टारगेट अचीव हो सकता है। तो समझ सकते हैं बहुत बड़ा अर्निंग होगा इसमें। अभी इसका चल रहा है 2170 और 2170 का हमने टारगेट दिया है जो अचीव करेगा ही 3 दिन से लेकर के 20 दिन के बीच में। दूसरा स्टॉक हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी चार्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट खुल रहा है हमारा। नेट स्लो होने की वजह से धीरे खुल रहा है, खुल चुका है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखिए मंथली चार्ट, ये भी अप ट्रेंड में है, रेगुलर देख रहे हैं मंथली चार्ट, कैंडल एकदम अप ट्रेंड में चल रहा है। ये अभी देखिए, ये सितंबर का डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। कभी कभी होता क्या है, स्टॉप लॉस इसीलिए हम नहीं दे रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें स्टॉप लॉस का जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमारा फंडामेंटल एनालिसिस जबरदस्त तरीके से 5 स्टॉक पर किया गया है, तभी हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं ये वीडियो। तो इसमें आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है क्योंकि जो टारगेट हम दे रहे हैं वो टारगेट अचीव करेगा ही स्टॉक। कभी कभी इस बीच में हो सकता है कि इंट्राडे में डाउन ट्रेंड में जाए लेकिन वो अपना टारगेट 3 दिन से लेकर 20 दिन के अंदर अचीव करेगा ही। तो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर का टारगेट है हमारा 1790 का, ये अभी चल रहा है 1664 का। फ्रेंड्स, ये बड़ा टारगेट है और ये हम बता रहे हैं फ्रेंड्स अचीव करेगा ही 100% 3 दिन से लेकर के 20 दिन के बीच में ये हमारा टारगेट। तो आज का तीसरा स्टॉक हमारा फ्रेंड्स
आईटीसी को देखिए, इसका भी हम चार्ट देख लें पहले। मंथली चार्ट क्या बता रहा है, देखिए थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा फ्रेंड्स। नेट स्लो होने के वजह से पता नहीं क्यों आज स्लो चल रहा है, नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा चार्ट धीरे खुल रहा है। देखिए आईटीसी का चार्ट खुल चुका है, ये मंथली कैंडल है फ्रेंड्स, तो मंथली देख रहे हैं अब ट्रेंड में है। ये जो अभी दिख रहा है ये सितंबर का है, ये हमारा अगस्त तक देख रहे हैं अप ट्रेंड में। ये जो माइनस हुआ है ये इंट्राडे में हुआ है फ्रेंड्स, तो ये भी अप ट्रेंड में है हमारा। इसका हमने टारगेट दिया है फ्रेंड्स आईटीसी का 322 का, अभी 303 चल रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना आपको अर्निंग करना है, किस दिन बाय करना है। लेकिन ये 3 दिन से लेकर के फ्रेंड्स 20 दिन के बीच अपना टारगेट अचीव करेगा ही, इसमें स्टॉप लॉस लगाने का कोई ज़रूरत नहीं हमारे इस पाँचों स्टॉक में, तो इसमें भी बड़ा टारगेट है जो एच करना ही है फ्रेंड्स। आज का हमारा चौथा स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस को फ्रेंड्स आपको चार्ट पहले देख लीजिए क्या चार्ट दिखा रहा है, मंथली चार्ट हम दिखा रहे हैं पहले आपको। तो नेट स्लो तो है ही फ्रेंड्स, पेशेंस के साथ देखे आपको जबरदस्त अर्निंग देगा ये वीडियो। देखिए रिलायंस का जबरदस्त अप ट्रेंड में चल रहा है फ्रेंड्स, रेगुलर अप ट्रेंड बनाया हुआ है, और इसमें हम जो टारगेट देंगे उस टारगेट से भी ज़्यादा ये स्टॉक अपने टारगेट को भी क्रॉस करके आपको दिखाएगा। टारगेट को क्रॉस करने का भी दमखम है इसमें 20 दिन में जो हमारा टारगेट होगा। तो फ्रेंड्स इसका टारगेट है रिलायंस का 1357 का, 13 जबकि अभी देख रहे हैं 1217 चल रहा है, तो आप देख लीजिएगा आपको कितना अर्निंग करना है ये 3 दिन से लेकर के 20 दिन के बीच। 1357 तक जरूर पहुंचेगा, अपने टारगेट को अचीव करेगा फ्रेंड्स। हमारा जबरदस्त तरीके से इस पर एनालिसिस किया गया है। पांचवा और आखिरी स्टॉक है हमारा फ्रेंड्स सन फार्मा। सन फार्मा का देखिए क्या है चार्ट भी पहले देख लेते हैं। और नेट स्लो होने की वजह से परेशानी तो हो रही है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो आपको जबरदस्त अर्निंग होगा शॉर्ट टर्म में। और मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडिंग करते हैं वही ज़्यादा अर्निंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडर से भी ज़्यादा अर्निंग भाई फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म वाले करते हैं। लेकिन इसमें है कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है शॉर्ट टर्म वाले के लिए एनालिसिस करने में, तो हम आपके लिए वो तो लेके आते ही हैं। शॉर्ट टर्म का भी स्टॉक अब हमारा रेगुलर आते रहेगा, 5 स्टॉक करके हम बताएंगे शॉर्ट टर्म का, जिसको देख करके आप जबरदस्त अर्निंग करते रहेंगे शॉर्ट टर्म में भी। कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया फ्रेंड्स, ऐसा करते हैं आपको टारगेट बता देते हैं, इसका भी अप ट्रेंड में है फ्रेंड्स सन फार्मा भी। मंथली कैंडल इसका भी देखेंगे तो रेगुलर अप ट्रेंड बनाया हुआ है। सन फार्मा को आपको फ्रेंड्स मार्केट प्राइस पे बाय करना है, ये मार्केट प्राइस बाय नहीं करना है, आप अपने इच्छा अनुसार बाय कर लेंगे जितना आप बाय करना चाह रहे हैं। इसमें हमारा टारगेट है 732 का, और अभी इसका प्राइस फ्रेंड्स आप देख ही रहे हैं कि 642.50 रुपये चल रहा है, और 732 का हमने टारगेट दिया है जो 3 दिन से 20 दिन के बीच अचीव करना है फ्रेंड्स, बड़ा टारगेट है।
तो इसको देख लें आप किस प्राइस पे बाय करना चाह रहे हैं। देखिए इसमें होता क्या है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, 3 दिन से 20 दिन का हम टारगेट दे रहे हैं, इसमें टारगेट अचीव करेगा ही। कभी कभी इंट्राडे में ये डाउन ट्रेंड में भी जाएगा, उससे घबराना नहीं है। ये हमारा स्टॉक जो भी 5 स्टॉक है ये 3 दिन से 20 दिन के बीच अपने टारगेट तक पहुँचेगा ही, आप पेशेंस बनाए रखिएगा, पहुँच जाएगा ही 3 दिन से 20 दिन के बीच। 3 दिन में भी पहुँच सकता है, 5 दिन में भी पहुँच सकता है, 10 दिन में भी पहुँच सकता है, 20 दिन में पहुँचना ही है, 20 दिन तक में पहुँचना। ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एनालिसिस हमने किया है इसे 5 स्टॉक। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे 5 स्टॉक्स जो हम बताए हैं, जान चुके होंगे, और इसमें आप अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या कोई भी किसी भी वजह से आप बिजी शेड्यूल है, फिर भी आप अर्निंग करना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट से, तो इस 5 स्टॉक से आप शॉर्ट टर्म में अर्निंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको बता दें, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इस वीडियो से लाभ हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें इस वीडियो को, और अगर आपको लाभ नहीं हो रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा हमारे इस 5 स्टॉक्स के बारे में जो हमने बताया है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सके, और कमेंट बॉक्स में जाके अपना कीमती राय जरूर दें। और अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, हम उसका भी रिप्लाई आपको जरूर देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।